अक्षरा सिंह भी हैरान हो गई हैं पवन सिंह का ये सॉन्ग देखकर। जी हाँ, काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, भाई आखिरकार पवन सिंह ने ये धमाल क्यों मचा रखा है। YouTube में ट्रेंडिंग 1 पर चल रहे हैं। जी हाँ, और महज 5 घंटे में भाई 4 मिलियन व्यू, यानी कि 5 घंटे में पवन सिंह का ये सॉन्ग 40 लाख लोगों ने देखा। ओ माय गॉड, ओ एम जी, व्हाट अ सॉन्ग, क्यों फिर से धमाल कमाल मचा दिया है भाई भोजपुरिया शेर ने, इतना कि आप यकीन नहीं करेंगे। थोड़े टाइम देखो, व्यूज़ ऐसे अप्स अप्स अप्स, यानी इतने ऊपर जा रहे हैं कि भाई यकीन ही नहीं हो रहा है कि पवन सिंह का ये गाना इतना बेहतरीन होगा। लोगों को इतना इंतज़ार था, ये यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन पवन सिंह ने जिस हिसाब से प्रमोशन की गाने की, मानना पड़ेगा आखिरकार पवन सिंह ने अपना दमखम दिखाया, लोगों को ये बताया कि वो क्या हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह अब पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं, वो इनके लिए ये बताना चाहते हैं कि भाई पवन सिंह ने कितना बड़ा कारनामा किया है। जी हाँ, अब पवन सिंह सभी को ये बता देना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन ये माइलस्टोन है, या हो सकता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक महारिकॉर्ड बन जाए। इसे तोड़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ जाए, क्योंकि अभी भाई 5 घंटे बीते हैं 24 आवर्स में, तो हो सकता है आज ही के दिन भोजपुरिया स्टार्स, पावर स्टार पवन सिंह हर एक हिसाब का बदला ले ले, उन फिल्मी ट्रेलरों का हिसाब का बदला ले ले जो कि उनकी हाल ही ट्रेलर रिलीज पवन पुत्र ने एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ भी हासिल नहीं किया था। सारी कसर लगता है पवन सिंह अपने इसी एल्बम से निकालेंगे। हो सकता है कि ये एल्बम बहुत ही बड़ी सुपर डुपर हिट तो हो ही चुकी है, ब्लॉकबस्टर भी हो जाए, लोगों के ज़ुबान पर इस बार होली में ये गाना बजे। और अभी होली आने में तकरीबन 15 दिन है, हो सकता है ये माइलस्टोन साबित होगा ये गाना, और पवन सिंह के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर हिंदी इंडस्ट्री के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। तो भाई हाँ, क्या हम कह रहे थे वीडियो के शुरुआत में कि अक्षरा सिंह ने क्या देखा? जी हाँ, देखा है सॉन्ग, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि अक्षरा सिंह की पैनी नज़र होती है पवन सिंह के हर एक गतिविधियों पर। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि अक्षरा सिंह ने ये सॉन्ग नहीं देखा होगा। देखा है, और वो व्यूज़ भी देख रही होंगी कि भाई किस तरह से व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और यूट्यूब के ट्रेंडिंग में हैं भाई। जी हाँ, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने इसके लिए बधाई भी दे दी है, उन्हें अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि भोजपुरी का नाम हो रहा है। और हो सकता है पवन सिंह से इंस्पायर होकर भाई अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव भी हिंदी एल्बमों की तैयारी कर लें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करना।